चैनल भूपी जे क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। और आज का जो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का जो अपना टॉपिक है वो है सांग से, ठीक है ना। सांग या सवांग कहें आप। देखिए सांग या सवांग ये ध्यान रखना है आपको। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि सांग या सवांग की परंपरा की शुरुआत 1730 ईस्वी से कर देना है। कब से कर देना है? 1730 ईस्वी में, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन देखें, इससे पहले ये ध्यान रखना है कि सांग होता क्या है। देखिए पहले जो जमाना अलग था उस टाइम सांग जो होते थे, ठीक है ना, एक मंच होता था, उस मंच के ऊपर सांग किया जाता था। समझ में आ गए ना। तो अगर आपसे ये पूछता है, देखिए सांग के बारे में अगर नॉर्मली में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सांग जो है ये, एक याद रखना है आपको कि लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है, ठीक है ना, लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है सांग, लकड़ी के तख्ते होते हैं उसके ऊपर सांग किया जाता है, ये ध्यान रख लेना है। भारत में 1730 से याद रख लेना है। और एक ध्यान रखना है, इसके अंदर 20 से 30 पात्र होते हैं। क्या होते हैं? 20 से 30 पात्र होते हैं। पात्र आप समझते ही होंगे कि जो सांग जो होता है इसको तख्तों के लकड़ी के ऊपर किया जाता है, लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है, 20 से 30 पात्र होते हैं, ये याद रख लेना है, ठीक है ना। अब ये ध्यान देने वाली ये बात है, एक देखें कोई भी हम चीज की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, तो किसी ना किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछ लेता है कि सांग जो परंपरा की शुरुआत होती है तो किस की पूजा की जाती है, तो भवानी देवी से याद रख लेना है, भवानी देवी की पूजा की जाती है। उसके बाद देखिए भवानी देवी की सांग जो होते थे ना उस समय, कहीं ना किसी चीज की हम कोई भी कार्य करते हैं तो पूजा की जाती है, उसी तरह से सांग की जो शुरुआत होती थी तो भवानी देवी की पूजा की जाती थी, ये याद रख लेना है। उसके बाद देखिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे संबंधित हम दो चार लाइनें भी, कोई भी शुभ कार्य करते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ दो चार लाइनें बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो दो चार जो लाइनें बोली जाती थी सांग के अंदर, ठीक है ना, वो जो लाइन थी वो चंबोला कहलाती थी। लाइनें जो बोली जाती थी सांग के अंदर वो क्या कहलाती थी? चंबोला कहलाती थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है, आगे चलिए आप, अब बात आ जाती है विदेश में सांग की शुरुआत। ये तो देखिए सांग से संबंधित इतने पॉइंट याद ही रखना है आपको, सांग से संबंधित इतने पॉइंट आपको याद ही रखना है। इसके बाद में यहाँ आ जाता है देश, ठीक है ना। भारत जो देश है, देश का जो प्रथम जो सांगी है, ठीक है ना, प्रथम सांगी, सांगी या प्रथम सांगी कौन है वो ध्यान रखना है आपको, किशनलाल भट्ट, ठीक है ना, या भाट कह सकते हैं आप, किशनलाल भट्ट या भाट हो सकता है, ठीक है, मेरठ निवासी हैं, ये ध्यान रखना है, मेरठ निवासी, ठीक है भैया। 1730 से याद रख लेना है भाई, देश में प्रथम जो सांगी, देश का जो प्रथम जो सांगी था ना वो कौन, किसे माना जाता है, देश के अंदर सांग की शुरुआत किसने की, ये अगर आपसे पूछता है तो क्या आ जाएगा? किशनलाल भट्ट। देखें यहाँ कंफ्यूज वाला क्वेश्चन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है और गलत हो सकता है आपका, यहाँ कन्फर्म देख लेना है। स्टार मैंने इसीलिए लगाया है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में आते हैं कि भैया देश के अंदर जो है ना प्रथम सांगी या फिर देश के अंदर सांग की शुरुआत किसने की, ऐसे पूछता है तो क्या आ जाएगा आपका? किशनलाल भट्ट। अब ये और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो पॉइंट अपन लिखेंगे कि हरियाणा में जो सांग की शुरुआत या फिर हरियाणा का प्रथम सांगी, ठीक है ना, हरियाणा का प्रथम सांगी कहें आप, या फिर हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की, प्रथम सांगी, ठीक है भैया। तो ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि हरियाणा का प्रथम सांगी कहें या फिर हरियाणा में जो सांग की शुरुआत की ना वो किसने की, दोनों बातों को विशेष ध्यान रखना है। आप सभी को पता है पंडित दीपचंद बहमन ने, ठीक है ना, पंडित बहमन से याद रख लेना है, कई बार बहमन भी लिख रहता है बुक में, बहमन, दीपचंद बहमन, ठीक है ना, दीपचंद बहमन से याद रख लेना है। ये शेर, एक मिनट, शेर खुदा, ठीक है ना, ये सोनीपत में पड़ता है भैया, सोनीपत से ये भी ध्यान रखना है कि सांग जो, सांग की जन्मभूमि जो कहा जाता है ना, जहां से सांग की ज्यादा
आज तक हुए हैं हरियाणा में वो सोनीपत से ही हुए हैं, ठीक है ना। शेर खाता गांव से याद रख लेना है, ठीक है, दीपचंद बहमन से याद रख लेना है, सोनीपत से याद रख लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है ये वो ये है कि हरियाणा का प्रथम संगी किसे माना जाता है, तो पंडित दीपचंद बहमन आ जाएगा, सोनीपत से है। ध्यान ये देने वाली बात है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनाता है दीपचंद बहमन से। आपको दो क्वेश्चन और भी याद रख लेने हैं, ठीक है ना। दीपचंद बहमन से ये याद रखना है, शेक्सपियर से, शेक्सपियर ठीक है, और कालिदास, ठीक है भैया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, दीपचंद्र बहमन को। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है, दीपचंद्र बहमन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में पूछता है भाई, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, पूरा ही आपको याद रखना है। एक पॉइंट और याद कर लेना भाई, ठीक है ना। इसी के साथ मतलब दीपचंद बहमन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दीपचंद बहमन के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। पंडित दीपचंद बहमन है, इसके गुरु का नाम जो है ना वो और याद रख लेना, इसी बात में आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें। ये ध्यान रखना है, छजूराम से याद रख लेना है, छजूराम, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, देखें दीपचंद बहमन से सबसे पहला पॉइंट, हरियाणा का प्रथम संगी दीपचंद बहमन से ही कोटा सोनीपत से है, और सोनीपत को जो असम प्रांत भूमि माना जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा संगी हुए हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट में ये कर देना है आपको कि हरियाणा का जो प्रथम संगी दीपचंद बहमन था उसके गुरु का नाम क्या था, छजूराम से कर देना है। ये तो कहानी जो थी ना आपकी, ये छजूराम से संबंधित ये पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से याद रखना भी है, बहुत अच्छे से इस कहानी को याद रखना है। छजूराम से संबंधित पॉइंट मैंने सारे के सारे लगभग क्लियर करवा दिए हैं। इसके अंदर देखें एक बात और विशेष ध्यान देने वाली ये है आपको, अगला जो अपना पॉइंट है ये देश का, और जो है ना देश का प्रथम संगी पूछता है ना, किशनलाल भट्ट कर देना है। सांग परंपरा की शुरुआत किसने की, दीपचंद, सॉरी ये किशनलाल भट्ट कर देना है। हरियाणा में सांग की शुरुआत या हरियाणा का प्रथम संगी से पंडित, ये ध्यान रखना आपको, दीपचंद बहमन, ठीक है भैया। उसके बाद में देखें पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है ना। एक आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है, ये ध्यान रखना है, दादा पंडित लक्ष्मीचंद। इसके ऊपर एक पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है, दो चार पॉइंट, ठीक है ना। पंडित लक्ष्मीचंद बहुत अच्छे से आपको पता है, ठीक है ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि पंडित लक्ष्मीचंद जाटी कला से याद रखना है, ठीक है ना भैया, जाटी कला से याद रखना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये सोनीपत से ही थे, ये सोनीपत से ही हैं, ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा का प्रसिद्ध जो है ना संगी जो था वो कौन था, पंडित लक्ष्मीचंद था भैया, ये ध्यान रखना है। हरियाणा का प्रसिद्ध संगी में पूछता है तो क्या आ जाएगा, हरियाणा का प्रसिद्ध संगी लक्ष्मीचंद। और हरियाणा का सूर्य कवि अगर पूछता है, ठीक है ना, हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का सूर्य कवि अगर पूछता है तो क्या आ जाएगा, लक्ष्मीचंद। दोनों पॉइंट ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में ये ध्यान भी रखना है, एक अगर आपसे ये पूछता है ना संपूर्ण संपूर्ण, ठीक है, कविता का कालिदास है, कविता का कालिदास अगर आपसे पूछता है तो क्या आएगा, लक्ष्मीचंद आएगा। लक्ष्मीचंद के ऊपर देखें बहुत सी बातें हैं, ठीक है ना। लक्ष्मीचंद भैया विशेष ध्यान ये देने वाली बात है कि लक्ष्मीचंद जो है, ये एक पॉइंट और याद रख लेना है कि लक्ष्मीचंद के ऊपर देखें एक सूर्य कवि हो जाएगा, हरियाणा का प्रसिद्ध संगी हो जाएगा पंडित या फिर दादा लक्ष्मीचंद या पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है, सोनीपत से याद रख लेना है। सूर्य कवि संपूर्ण कविता का कालिदास अगर पूछता है तो क्या आ जाएगा, पंडित लक्ष्मीचंद आ जाएगा। एक बात और याद रखना है आपको कि ये जो है ना, इन्होंने 25 सांगों की रचना की थी, कितने सांगों की रचना की थी, इम्पोर्टेंट में आता है भाई, पंडित लक्ष्मीचंद के कितने सांग थे, 25 सांग थे, और सारे के सारे जो है ये किसके ऊपर आधारित थे, ये जो देश जो, ये ध्यान रखना है, जो अंग्रेजों के प्रति जो है ना उससे संबंधित थे, ये वीरता की भावना से ओतप्रोत थे ये सारे के सारे, ये ध्यान रख लेना है। एक सूर्य कवि से याद रख लेना है, संपूर्ण कविता का कालिदास याद रख लेना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि सूफी, एक पॉइंट और याद रखना है लक्ष्मीचंद से ही,
ठीक है ना, सूफी, सूफी से याद रखना है आपको क्या कि सूफी दर्शन की, सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, तो विशेष ध्यान रखना है कि किसे कहा जाता है सूफी दर्शन की मीरा, किसे कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को, तो ये इंपोर्टेंट कर देना, भी आज तक एग्जाम में आया नहीं, क्या पता आ जाए, ठीक है। उसके बाद में देखें, एक ये याद रख लेना है, ये अनपढ़ थे, ये सभी को पता है, एग्जाम में अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने बहुत इतना बड़ा जो है ना शांति की परंपरा को ऐसे संगी बने, ये विशेष ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है, देखें दो व्यक्तियों के नाम याद रखना है, एक है मानसिंह, ठीक है भैया, मानसिंह, एक को याद रखना है आपको मानसिंह, ठीक है, एक को याद रखना है टीकाराम। आपने बुक में पढ़ा होगा, ये दोनों एक साथ पढ़ लिए होंगे, कैसे पढ़ लिए होंगे और कैसे आपने पढ़ा होगा कि जो पंडित लक्ष्मीचंद थे इसके गुरु का नाम, ठीक है ना, पंडित लक्ष्मीचंद जो था इसके गुरु का नाम आपसे पूछा, यह ध्यान देना है। पंडित जो लक्ष्मीचंद है ना, पंडित लक्ष्मीचंद की सारी कहानी मैं आपको एक ही पॉइंट पर ले जाना चाहता हूँ, पंडित लक्ष्मीचंद जो थे इसके गुरु का नाम बताना है, तो इसके गुरु का नाम आपने पढ़ा होगा मानसिंह, ठीक है भैया, इसके गुरु का नाम क्या था मानसिंह, परंतु कई बुक में आपने पढ़ा होगा कि टीकाराम भी और मानसिंह भी दोनों हैं, परंतु एग्जाम में एक पूछ ले और ये आया हुआ भी है, तो पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मानसिंह था, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना टीकाराम, अगर आपको ये ध्यान रखना है, ये देखें ये गुरु था और ये क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद अनपढ़ थे भैया, ठीक है ना, पंडित लक्ष्मीचंद अनपढ़ थे, तो टीकाराम को इन्होंने शिक्षा गुरु बनाया था, ये ध्यान रख लेना है, क्या बनाया था शिक्षा गुरु। देखें दोनों क्वेश्चन अलग अलग वे में आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे शिक्षा गुरु पूछता है टीकाराम कर देना है, अगर आपसे सिंपल में ये पूछता है कि पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था मानसिंह कर देना है, ये विशेष ध्यान रख लेना है आपको। अगर शिक्षा साथ में लगा के करता है और दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो फिर आपको टीकाराम ही करना है, सिंपल में अगर पूछता है तो मानसिंह कर देना है, ठीक है भैया, एक ध्यान रखना है। देखें विशेष क्वेश्चन में आता है एक जो है ना शोध कार्य किस कवि के ऊपर किया जाता है, किया जा रहा है, वो सिंपल में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना, शोध कार्य चल रहा है अनपढ़ होते हुए भी, ठीक है ना, शोध कार्य चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है शोध कार्य, किस संगी के ऊपर चल रहा है शोध कार्य, मतलब पीएचडी की जाती है इसके ऊपर स्टूडेंट्सों द्वारा, तो ये शोध कार्य किसके ऊपर आ जाएगा पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर। देखें बहुत से पॉइंट मैंने यहाँ कवर कराने की कोशिश की है, एक याद रखना है, देखें भैया एट्रेना, ठीक है ना, एट्रेना यहाँ क्या है ये ध्यान रखना, ये सोनीपत में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है कहाँ पर, सोनीपत के एट्रेना में, ये ध्यान रखना है। ये थे आपके इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, किसके से संबंधित थे पंडित लक्ष्मीचंद से, तो इतने पॉइंट अगर आपसे पूछता है ये सारे के सारे पंडित लक्ष्मीचंद से थे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ करवा दिए गए हैं, अगला जो पॉइंट है अपना वो ध्यान रखना है, ठीक है, एक याद रख लीजिए आप पे, एक करना है आपको अगला पॉइंट में आपको करना है कि हरियाणा जो था ना हरियाणा, ये ध्यान रखना है कि हरियाणा का सफल सांग, ठीक है ना, हरियाणा का सफल सांग जो था, हरियाणा का सफल सांग, ठीक है भैया, हरियाणा का सफल सांग जो था वो शीला सेठानी था, ठीक है, शीला सेठानी, हरियाणा का सफल सांग अगर पूछता है शीला सेठानी कर देना है, और ध्यान रखना है, ठीक है ना, पंडित नेत्राम से कर देना है, पंडित नेत्राम, मतलब कि ये जो सांग जो था ये किसका था, पंडित नेत्राम का था भैया, ये ध्यान रखना है, पंडित नेत्राम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है जो कि 19वीं सदी के अंत के प्रसिद्ध सांगी माने जाते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि 19वीं शताब्दी के अंत के, 19वीं शताब्दी के अंत के, ठीक है, प्रसिद्ध कवि, तो क्या आ जाएगा,
पंडित नेत्राम आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, मैंने आपको बताया बार बार में, ये ध्यान रख लेना है, पंडित नेत्राम से याद रख लेना है। जो 19वीं शताब्दी के अंत के सुप्रसिद्ध जो कवि सांगी जो थे, सॉरी सांगी जो थे ना, सांगी में कर रहे हैं तो सांग कर देना है, कोई बात नहीं है। सांगी जो थे वो कौन से थे, पंडित नेत्राम से याद रख लेना है भैया। एक पॉइंट और कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है भैया। उसके बाद में देखें, लगभग सारे पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट करवाए हैं, शॉर्ट में करवाए हैं, बहुत समझ के साथ करवाए हैं, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है मांगेराम से, ठीक है भैया। अगला जो एक व्यक्ति का एक सांगी था मांगेराम, ठीक है ना, ठीक है मांगेराम। अब इसमें ये ध्यान देने वाला बात ये है कि ये सिसाना गांव से थे, ये सिंपल में आता रहता है क्वेश्चन में, इन्हें कवि शिरोमणि कहा जाता है, कवि शिरोमणि, ठीक है भैया। कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है, हरियाणा का कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है, मांगेराम को कहा जाता है, ठीक है भैया। मांगेराम को हरियाणा का कवि शिरोमणि कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, और ये ध्यान रखना, ये सिसाना गांव से पढ़ता है, और इसके गुरु का जो नाम था ना ये भी याद रख लेना, कहीं हो सकता है पूछ ले। गुरु का नाम जो था पंडित लक्ष्मीचंद था, पंडित लक्ष्मीचंद था भैया, इसके गुरु का क्या नाम था, पंडित लक्ष्मीचंद था, ये ध्यान रख लेना है मांगेराम से संबंधित। और अब देखिए अगला जो पॉइंट है, कुछ एक मैं आपको इस तरह से दिखवा देता हूँ, बार बार में अलग अलग न करवा के एक ही जगह आपको मिल जाए। एक साइड में आपको लिखना है सांगी, ठीक है ना, सांगी का नाम, और इधर लिख देना है गुरु का नाम, ठीक है भैया। कौन से सांगी का किसके क्या गुरु का नाम था, ठीक है, एक याद रखना है, बाजे भगत, बाजे भगत, बाजे भगत सांगी जो था इसके गुरु का जो नाम था ना वो ध्यान रखना है हरदेव, क्या था भैया, हरदेव। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट में है भैया, ध्यान रखना है, पूछ सकता है इधर उधर के। एक याद रखना आपको धनपत सिंह, धनपत सिंह, ये नए पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो ध्यान रखना आपको कि धनपत सिंह जो थे ना, इसको जम इसके गुरु का नाम था जमुआ वीर, क्या नाम था भैया, जमुआ वीर नाम था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि, अंग्रेजों द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों द्वारा जो है ना राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी भैया धनपत सिंह को, ध्यान रखना है, इसी में आपको ध्यान रख लेना है भैया। और ये ध्यान रखना है आपको, राय बहादुर की जो उपाधि दी गई थी धनपत सिंह से याद रख लेना है। उसके बाद अगला जो एक व्यक्ति और लिखना है आपको, देखें चंदगीराम, ठीक है भैया, चंदगीराम के गुरु का नाम था, चंदगीराम एक सांगी था, चंदगीराम के गुरु का नाम था धनपत सिंह, धनपत सिंह से याद रख लेना है, धनपत सिंह से याद रह जाएगा, ठीक है। हरदेव स्वामी के जो गुरु, हरदेव स्वामी जो था ना, हरदेव, हरदेव जो स्वामी थे इसके गुरु का नाम था भैया दीपचंद, ठीक है ना, आपने जो प्रथम सांगी में पढ़ा दीपचंद से याद रख लेना है, ठीक है भैया। उसके बाद में आपको करना है मेहर सिंह, एक सांगी था भैया मेहर सिंह, मेहर सिंह ये ध्यान रखना है, मेहर सिंह में आपको ध्यान रखना है कि ये फौजी मेहर सिंह भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसके गुरु का नाम लक्ष्मीचंद, क्या जाएगा भैया, लक्ष्मीचंद, ठीक है। एक याद रखना है आपको धर्मवीर, ये एक याद रख लेना आपको धर्मवीर से, धर्मवीर, ठीक है भैया। धर्मवीर जो है ये ध्यान रखना है, इनके गुरु का नाम था चंदगीराम, चंदगीराम, ठीक है भैया, चंदगीराम से याद रख लेना है। और ये ध्यान ये रखना है कि ये जो था ना धनपत सिंह, धनपत सिंह था, ये सोनीपत से याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ सोनीपत में सबसे ज्यादा सांगी हुए हैं, मैंने पहले भी बताया, सोनीपत से याद रख लेना है धर्मवीर को। और यहाँ क्या याद रखना है धर्मवीर से संबंधित पॉइंट, वो मैं बता देता हूँ कि वर्तमान में जो हरियाणा का राजकीय कवि जो है ना, वर्तमान में राजकीय जो कवि माना जाता है, माना जाता है राजकीय कवि, ठीक है, या राजकीय कवि से याद रख लेना है आपको, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, धर्मवीर आ जाएगा वर्तमान में, ठीक है, राजकीय कवि। और
हरियाणा का राजकीय कवि के नाम से आपको याद रखना है पंडित लक्ष्मीचंद को, परंतु यहाँ वर्तमान की बात आती है, वर्तमान में राजकीय कवि क्या आ जाएगा, धर्मवीर आ जाएगा भैया। इसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रख लेना है आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है भैया, ये तो थे गुरु थे इनके, एक पॉइंट और क्या याद रखना है कि हरियाणा का प्रथम महिला संघ याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरियाणा की प्रथम महिला संघी, प्रथम महिला संघी आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है, पूछ लेगा गलत हो जाएगा, तो भैया बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है, सरदारी बैगम कर देना है, सरदारी बैगम कर देना है, ठीक है, और ये कलायत से कर देना है, ये कलायत से कर देना है, ठीक है, हरियाणा की प्रथम महिला संघी से याद रखना है, कलायत से कर देना है। एक पॉइंट और हार्ड से हार्ड, एक पॉइंट और गहराई का है वो और नोट कर लो आप, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एकमात्र संघी जो पद्मश्री मिला जिसको, ठीक है ना, पद्मश्री से, ठीक है, पद्मश्री जिसको पद्मश्री से सम्मानित संघी, ध्यान रखना है, पद्मश्री ऐसा व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति है ये, एकमात्र व्यक्ति जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, समझ में आए ना मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं, कि एकमात्र हरियाणा का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है भैया, तुलेराम कौशिक से याद रखना है, तुलेराम कौशिक, ठीक है भैया, तुलेराम कौशिक से याद रख लेना है आपको, तुलेराम कौशिक से याद रखिए आप, ये पॉइंट आपको अच्छे से करना है, तुलेराम कौशिक से, ये तुलेराम कौशिक कौन थे भैया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात में याद रखना है आपको, ठीक है ना, पंडित जो लक्ष्मीचंद थे ना भैया, पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं ये, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पंडित जो लक्ष्मीचंद है इसके पुत्र का क्या नाम है भैया, तुलेराम है, तो तुलेराम किसका पिताजी है, इस तरह से याद रख सकते हैं आप, मतलब कि इन दोनों में इम्पोर्टेंट में आता है, ऐसे अगर पूछ लेता है कि एकमात्र जो पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं तुलेराम है, इनका जो पंडित लक्ष्मीचंद से क्या संबंध है, तो ये पिता पुत्र से याद रख लेना भैया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखें शाम की परंपरा से संबंधित मैंने सारे पॉइंट क्लियर कराने की कोशिश की है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और जाते जाते कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर जाइए अपने चैनल को, क्योंकि यहाँ हरियाणा जी के हिंदी और ग्रंथ जी के से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको सामने लाके आने वाला हूँ, तो विशेष ध्यान रखना है, रेगुलर क्लास होगी आपकी, एक दिन हरियाणा जी के, एक दिन हिंदी और एक दिन करंट जी के से संबंधित मैं आपको वीडियो लाके दूंगा। सीईटी का सिलेबस जो कंप्लीट पूरा कराने की गारंटी है, बस केवल आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमें 40 मिनट दीजिए, हम आपको 40 क्वेश्चन देंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, किस तरह से मैंने आपको समझाया, किस तरह इंपोर्टेंट बताया, वो सारी बातें आपने देख ही रखा है। और जो आज के लिए इतना ही करना है, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।